कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना के दिखाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बताते हैं रॉल्स लॉ पे क्या क्या पढ़े हैं, जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं। आपको याद रहना चाहिए, अगर दोनों घोड़ा टाइल है ए और बी तो टोटल प्रेशर कितना होता है सॉल्यूशन का, मोल कितना होगा, पी ऑफ ए प्लस क्या होगा पी ऑफ बी, यानी पी डिग्री इंटू एक्स ए प्लस पी डिग्री इंटू क्या होता है एक्स बी। पी डिग्री क्या है बताए थे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एक्स बी डिग्री, एक्स बी क्या है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, क्लियर है एक्स ए और एक्स बी। अगर दोनों क्या है वोलेटाइल तो इस तरह से निकलेगा, अभी एग्जांपल सब दिखाएंगे। अगर ए सॉल्वेंट क्या हो वोलेटाइल और बी क्या हो नन वोलेटाइल तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पी डिग्री ऑफ क्या एक्स ए बस, क्लियर है। अगर नन वोलेटाइल रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये वाला पोर्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि बी तो है ही नहीं, बी नन वोलेटाइल है उसका वेपर नहीं बनेगा, पिछले तीन वीडियो से बता रहे हैं दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा तो दोनों पर जोड़ दीजिए। इसको दूसरा भाषा में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर दोनों वोलेटाइल होगा तो ये होगा और बी अगर वोलेटाइल नहीं है नॉन वोलेटाइल है तो पी ऑफ डिग्री इनटू एक्स से। उसके बाद हम बताए थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद है अगर प्योर सॉल्व ए में बी को एड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है कि नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होते हैं पी डिग्री में से पी माइनस कर दीजिए, कब नॉन वोलेटाइल में यूज होगा, बी क्या है नॉन वोलेटाइल, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डीपी बोलते हैं, पी डिग्री माइनस पी बोलिए चाहे पी डिग्री इंटू एक्स बी भी निकाल के हम दिखाए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डीपी को पी डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसमें पी डिग्री, या सिंपली हम लोग प्रूव कर चुके हैं पिछला क्लास का लास्ट वीडियो का लास्ट फ्रेम में देखिए दिखा हुआ होगा, इतना हम पढ़ा चुके थे। आज दो तीन को न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बना के दिखाते हैं, अंडरस्टूड, नोट कीजिए पर इस बात को। एक तो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान सुनिए वर्ड में लिखते हैं इसको फिगर से ही दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक सॉल्यूशन बनाया गया है, मान लीजिए कि ए और बी दोनों ही भी मतलब वोलेटाइल है, दोनों से को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया है, क्या क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए का 4 ग्राम मोल मिलाया गया है, मान लीजिए कि ये मिथाइल का अल्कोहल है जो भी हो, क्लियर है। बी मान लीजिए कि इथाइल अल्कोहल दोनों वोलेटाइल होता है और इसको मिलाया गया 1 ग्राम मोल, P डिग्री ऑफ मिथाइल अल्कोहल दिया है मान लीजिए 50 मिलीमीटर ऑफ Hg किसी टेम्परेचर में, और P डिग्री ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया गया है 60 मिलीमीटर ऑफ Hg, दोनों अलग अलग तरह का सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन बनेगा, इसको ढक दिए तो नीचे की ओर वेपर प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखेंगे तो 10 मिनट लगता है, क्या लिखना पड़ता है बस पढ़ दे रहे हैं। ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 वोलेटाइल लाइक 4 ग्राम मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 1 ग्राम मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया गया, एंड हुज प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है 50 मिलीमीटर ऑफ एचजी एंड प्योर ऑफ इथाइल अल्कोहल 60 मिलीमीटर ऑफ एचजी, क्लियर है। कैसे बनाएंगे, डाटा लंबा सा आंसर छोटा सा, वेपर टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बन गया सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या पता है पी डिग्री ऑफ एक्स ए के लिए, मतलब ए कौन है मिथाइल अल्कोहल, क्लियर है।
प्लस पी डिग्री ऑफ एक्स बी, बी कौन है इथाइल अल्कोहल, दोनों को ऐड कर देंगे, सब चीजें दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक्स ए निकालिए, उसके बाद एक्स बी निकालिए, एक्स ए मतलब उसका ग्राम मोल बाय टोटल ग्राम मोल, उसका ग्राम मोल कितना है 4 और टोटल कितना हो गया 4 + 1 = 5, इसका निकालेंगे तो क्या 1/5 और दोनों को जोड़ते हैं तो 1 होगा, जानते ही हम लोग पिछले वीडियो सब देख चुके हैं। बोलिए पी डिग्री कितना दिया हुआ है 50 इंटू क्या होगा 4/5 60 इंटू क्या होगा 1/5, काटेंगे तो कट जाएगा 10 से 40 प्लस कटेगा तो 12 से 12 क्लियर है, कितना हो गया 10 × 40 और 12 52 मिलीमीटर ऑफ एलजी। अंडरस्टूड कैसे बनाते हैं, क्लियर है, एक और बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए। सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय ए और बी, दोनों वोलेटाइल है, एक नया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, लेकिन अभी क्या दिया हुआ है, मान लीजिए इसका वेट ओ मिथाइल अल्कोहल ले लिए CH3OH, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला भी जानते होंगे, पढ़े होंगे 11th class 10th class 2, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला वेट दिया हुआ है 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम मिथाइल अल्कोहल लिया गया, 3.2 ग्राम मिथाइल अल्कोहल को मिक्स, तभी ग्रामो लिखे थे, अभी हम ग्राम लिख रहे हैं। उसी प्रकार बी ले लिए हैं सपोज इथाइल अल्कोहल, ये भी वोलेटाइल है, इथाइल अल्कोहल भी वोलेटाइल होता है, इसको ले लिए हैं, ये इसका वेट ऑफ C2H5OH, इसका वेट ले लिया सपोज 9.2 ग्राम, और ये दिया हुआ है कि P डिग्री ऑफ मिथाइल अल्कोहल सपोज 50 मिलीमीटर ऑफ Hg है, और P डिग्री ऑफ इथाइल अल्कोहल 60 मिलीमीटर ऑफ Hg है, दोनों को मिला दिए, इतना डिटेल दिया हुआ है, नया सॉल्यूशन दोनों के मिल से बनेगा, उसका वेपर प्रेशर कितना, एग्जैक्टली एग्जाम का क्वेश्चन लिखे, तो फिर से वही सबसे तो वेपर प्रेशर टोटल मतलब सॉल्यूशन में कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा बी, क्या होता है पी डिग्री इंटू एक्स ए किसका मिथाइल अल्कोहल का, पी डिग्री ऑफ एक्स बी कौन है इथाइल अल्कोहल का, आपको पी डिग्री दिया हुआ, लेकिन अभी एक्स ए और एक्स बी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ग्राम दिया हुआ है, क्या होता है वेट को उसका पढ़ चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, ग्राम मोल निकालना पड़ेगा, इन प्रीवियस क्वेश्चन ग्राम मोल आपको दिया हुआ था, इन प्रीवियस क्वेश्चन आपको ग्राम मोल दिया हुआ था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 3.2 और मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, बोलिए कितना है सी का 12 एच का 3 फिर ओ का 16 एच का 1 कितना हो गया 32, तो कितना हो गया 1/10 ग्राम मोल, क्लियर है, तो अब हम लोग को पता चल गया अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल ग्राम मोल 1/10 ग्राम मोल है, उसी प्रकार वेट दिया हुआ है तो वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल से हम लोग इसका निकालेंगे, तो इसका भी क्या होगा वेट बाय मोलिकुलर वेट, बोलिए वेट क्या दिया है 9.2 और इसका भी निकालेंगे हम, बोलिए कितना होगा सी टू कितना होता है 24 एच का 5 ओ का 16 एच का 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 46, तो कितना हो गया 92/46 × 10 = 2/10, क्लियर है 2/10 इसका 1/10, टोटल ग्राम मोल कितना हो गया, टोटल ग्राम मोल कितना हो गया 1/10 + 2/10 = 3/10, क्लियर है, तो बोलिए इतना तो पनिश करना पड़ेगा, पिछला क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्या दिया हुआ था ग्राम मोल का संख्या दिया हुआ था, टोटल ग्राम मोल निकाल लिए थे, अब हम लोग को निकालना वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा पी डिग्री एक्स ए प्लस पी डिग्री एक्स बी, क्लियर है, पास में आ रहा है, दोनों में अंतर क्लियर है, नोट कीजिए, बता रहे हैं कितना आंसर आएगा, बोलिए P डिग्री दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल, क्वेश्चन में दिया होता है P डिग्री के बारे में चिंता भी नहीं करना, इनटू एक्स ए मतलब उसका ग्राम मोल कितना होगा उसका बाय टोटल, उसका कितना है
वन बाई टेन बाई टोटल कितना है 3/10 अंडरस्टूड प्लस दूसरा का इथाइल अल्कोहल का पी डिग्री दिया हुआ था क्वेश्चन में इसके बारे में सोचना भी नहीं है 60 इनटू बोलिए कितना उसका ग्राम मोल कितना है 2/10 और टोटल कितना है 3/10 तो कितना गया 50/3 प्लस 120/3 3 एलसीएम 170/3 अंडरस्टूड 50/3 प्लस 120/3 170/3 3 × 5 = 15 6.6 मिलीमीटर ऑफ एच यही निकला इस तरह से हम दोनों तरह से बना के दिखाते हैं एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं नोट कीजिए अब देखिए नन ब्लड एंगल का ए सॉल्यूशन इज फॉर्मड बाय मिक्सिंग ध्यान से देखिए ए सॉल्वेंट है मान लीजिए वाटर है वोलेटाइल ही होना चाहिए सॉल्वेंट को हमेशा वोलेटाइल होना चाहिए होल्ड स्टॉक के लिए सपोज इसका 90 ग्राम ले लिए बी बी सॉल्यूट है जो क्या है नन वोलेटाइल है और ये सपोज है इसके यहां पे ले लिए हम लोग सपोज यूरिया 6 ग्राम यूरिया ले लिए 90 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड विद 6 ग्राम ऑफ यूरिया यूरिया इज नॉन वोलेटाइल उसको उसका वेपर नहीं बनता है वेपर बनता है सिर्फ इस केस में वाटर से बन रहा है तो क्या होगा वेपर प्रेशर कितना होगा एग्जाम का क्वेश्चन है और आपको दिया हुआ है कि मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया या ना किसी को 60 होता है मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है वाटर का कितना होता है 18 इतना डाटा दिया हुआ है तो बस इसमें कौन सा यूज होगा वेपर प्रेशर इज गिवन बाय अगर नन वोलेटाइल होगा ना बस पी डिग्री ऑफ क्या होगा एक्स ए उसमें एक्स बी एड नहीं होगा क्यों नहीं होगा नन वोलेटाइल उसका वेपर बनेगा ही तो वेपर टोटल वेपर प्रेशर में एक्स बी नहीं बनेगा क्लियर है तो सबसे पहले फिर वही निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ वाटर कितना होगा वेट कितना है 90 बाई मोलिकुलर वेट कितना है 18 तो क्या हो जाएगा 5 ग्राम मोल क्लियर है एन ऑफ H2O 5 ग्राम मोल एन ऑफ यूरिया निकालना तो पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सेल निकालना है वेट कितना है 6/60 कितना हो गया 1/10 क्लियर है आपको ये भी दिया हुआ है पी डिग्री ऑफ वाटर 180 मिलीमीटर ऑफ क्या एचजी दिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट पी डिग्री दिया हुआ है वाटर का 180 मिलीमीटर ऑफ एचजी इतना दे दिया तो सबसे पहले क्या निकालिए एक्सए बोली क्या उसका ए मतलब क्या वाटर का सॉल्वेंट का जो वोलेटाइल है उसी का निकलेगा नन वोलेटाइल ये क्या है नन वोलेटाइल बस इसमें एक्सए निकालने के लिए क्या करेंगे उसका बाय टोटल टोटल ग्राम मोल कितना हो जाएगा देखिए तो दोनों ऐड करेंगे 5 प्लस क्या हुआ 1/10 10 एलसीएम 51/10 अंडरस्टूड 10 एलसीएम ले लिए तो बोलिए एक से कैसे निकालेंगे उसका ग्राम मोल बाय टोटल ग्राम मोल 5/51/10 50 बाय क्या हो गया 50 क्लियर है 50/51 हो गया बस तो नन नन रहेगा तो कैसे होगा वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं प्योर सॉल्वेंट का 180 दिया हुआ है 180 इंटू एक्से का वैल्यू क्या है 50 बाई क्या होगा 51 क्लियर है ऑलमोस्ट सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर 175 मिलीमीटर ऑफ क्या आएगा सॉल्व कर लीजिए हम तो कर लिए ऑलमोस्ट अगेन डिवाइडेड 9000 बाई डिवाइडेड 51 क्लियर है 9000 बाई 51 ऑलमोस्ट आएगा 175 मिलीमीटर ऑफ एनजी वाटर का पी डिग्री ऑफ वाटर दिया हुआ है मतलब ए का दिया हुआ है ये दिया रहता है मिलीमीटर ऑफ क्या एचजी क्लियर है सॉल्व कर लेंगे लगभग में इतना आंसर आएगा इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि व्हाट इज लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अच्छा नहीं पहले 180 था अब घट गया नहीं घट गया कितना हो जाएगा बोलिए पी डिग्री में से पी माइनस कर दीजिए 180 में 175 तो 5 मिलीमीटर ऑफ एचजी
ये क्या हो गया, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेगा ना, इसको डीपी बोलते हैं। डीपी इज गिवन बाय पी डिग्री माइनस पी, 180 में 75 माइनस कर दीजिए 5 मिलीमीटर ऑफ एचजी। अगर बोलता ना रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल दीजिए, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, डीपी को अगर बोलता कि निकाल दीजिए, कुछ भी निकालिए बोलेगा, इसी मेथड से निकलेगा। सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी डिग्री ऑफ एक्स से। बोलिए डीपी बाय क्या कर दीजिए, पी डिग्री। डीपी कितना निकाले, 5 बाय कितना है 180, क्लियर है, 5 बाय 180, 1 बाय 5 3 15, 1 बाय 36 ऑलमोस्ट 0.03 यूनिट दे दे, ऐसे निकाल सकते, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, 16 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल जो वोलेटाइल है उसको मिक्स कर दिया गया विथ 11.6 ग्राम ऑफ NaCl नमक के साथ, उसको मिक्स कर दिया गया जो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। एक सॉल्यूशन बन गया A प्लस बी से, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, और पी डिग्री ऑफ ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन एकदम इजी, अच्छा से पढ़े तो इजी है, अदरवाइज जो इस टॉपिक को नहीं पढ़ेगा इम्पॉसिबल है उसका। तो सबसे पहले एक्स से निकालना पड़ता है, बस उसी से बनेगा। तो बोलिए वेट दिया हुआ है इसका, मिथाइल अल्कोहल के बारे में बात हो रहा है, बोलिए उसका नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना होगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट कितना दिया 16 और इसका मोलिकुलर वेट होता 32, क्या है 1/2 ग्राम मोल, किसका निकला, मिथाइल अल्कोहल। वेट ऑफ NaCl बी बोलिए क्या होगा, 11.6 बाई क्या होगा, NaCl का 58 होता है, Na का 23, Cl का 35 ऑलमोस्ट, तो कितना आ गया, कटेंगे तो कटेगा 0.2 से, या 2/10 या 1/5 ग्राम मोल, कट जाएगा कर दीजिएगा। टोटल ग्राम मोल भी निकाल दीजिए, कितना होगा 1/2 प्लस 1/5, 8×10 एलसीएम, 5+2 कितना होगा 7/10, टोटल ग्राम मोल भी निकाल दिए, अंडरस्टूड, 1/2 प्लस 1/5, 10 एलसीएम, 5+2, 7/10, अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स से निकालेंगे, एक्स भी तो निकालने का जरूरत नहीं है, एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, उसका ग्राम मोल बाय टोटल ग्राम मोल, उसका मतलब मिथाइल अल्कोहल, ए मतलब कौन है, मिथाइल अल्कोहल का ग्राम मोल कितना है, बोलिए कितना है 1/2 बाय टोटल कितना है 7/10, कट जाएगा 5 बाय क्या है 7, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, P इक्वल टू पी डिग्री एक्स से, पी डिग्री हमेशा दिया होता है, कितना दिया हुआ है 60 इंटू एक्स से कितना 5/7 300/7 7/421 ऑलमोस्ट 43 होगा, 7/428 20 ऑलमोस्ट 43 मिलीमीटर ऑफ क्या होगा एच जी। सेकेंड क्वेश्चन है, डीपी निकालना है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी डिग्री में से माइनस कर देंगे 43, तो कितना आ गया 17 मिलीमीटर ऑफ एचजी। और थर्ड क्वेश्चन क्या निकालना है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, पी डिग्री डीपी बाय पी डिग्री होता है, डीपी का वैल्यू कितना है 17 और पी डिग्री कितना दिया हुआ है हम लोगों 60, है कि नहीं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ऑलमोस्ट डिवाइड करिएगा तो आएगा 16 2 जे
1250 ऑलमोस्ट 0.28 इसका यूनिट नहीं होता है। तो इस तरह से हम बता दिए लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैसे हम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल निकाल सकते हैं। तो इतना याद रखिएगा, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में।